हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति प्रज्ञा, लेक्चर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भुवनेश्वर. आई एम हियर टू रिप्रेजेंट द टॉपिक ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑफ फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ एनर्जी कन्वर्शन वन सब्जेक्ट. देन वी गो टू द कंटेंट्स पार्ट. आम मैंने अराउंड 2.5 मंथ्स है लॉकडाउन में रहीबार प्रीवियस चैप्टर किसी भूली जाए. तो फर्स्ट आम कौन करवा ना कि जिनस प्रीवियस चैप्टर आम ब्रीफ आइडिया देवापर आम ऑटो ट्रांसफॉर्मर कंटेंट्स को आसवा. तो फर्स्ट मो कंटेंट्स रो फर्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, नेक्स्ट ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, देन व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर विथ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, नेक्स्ट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन एंड देन टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर. अकॉर्डिंग टू एसीटीबीटी सिलेबस आमर ऑटो ट्रांसफॉर्मर एतिक जिनस अछि. नेक्स्ट हला तुम मानक पई कि हला असाइनमेंट क्वेश्चन. से असाइनमेंट क्वेश्चन तुम कंटेंट्स पढ़ी सारा पर मुझे डेलीवर करी कंटेंट से पढ़ी सारा तुम मानक काम हला असाइनमेंट क्वेश्चन करबा. नेक्स्ट आम जीबा कोठी कि ना ट्रांसफॉर्मर को. तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? फर्स्ट वी नो द ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द either low voltage to high voltage or high voltage to low voltage without changing in the frequency. As transformer works on the AC supply, to ye to AC supply re kaam korchi, the frequency amara change hobo na, frequency constant rahibo. The next am ye transformer co principle upare work kare. Transformer work kare Faraday law of electromagnetic induction, that is also applicable for the mutual induction concept. तो ट्रांसफॉर्मर आम जानचे कोर कोर रे कौन थाए कोर इज मेड ऑफ द सिलिकॉन स्टील देन वाइंडिंग वाइंडिंग इज मेड ऑफ द कॉपर. तो ये डायग्राम रे आम देखिबा ए जो ग्रे कलर थाए सेटा हला हमर कोर आउ रेड कलर जोटा हमर उंड हे के रहची सेटा कमे कहबा वाइंडिंग. तो ट्रांसफॉर्मर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, वन इज प्राइमरी वाइंडिंग, अनदर इज सेकेंडरी वाइंडिंग. तो ट्रांसफॉर्मर आमर सब वेले सप्लाई दबा कोटी प्राइमरी वोल्टेज. तो प्राइमरी वोल्टेज आमर जो सप्लाई दबा प्राइमरी वाइंडिंग रे सप्लाई दबा ताको हमें कहले प्राइमरी वोल्टेज. तो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स केमिति करे, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर? तो आमे कोन करबा ना प्राइमरी वाइंडिंग रे आमे कोन दबा ना वोल्टेज दबा जोटा एसी वोल्टेज. तो ट्रांसफॉर्मर विल वर्क ऑन द एसी वोल्टेज. इट शुड बी अप्लाइड ऑन द प्राइमरी साइड. व्हेन जब आम प्राइमरी साइड रे वोल्टेज दबा से कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हम. तो दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज अल्सो इन अल्टरनेटिंग इन नेचर. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हम कौटी ना प्राइमरी वाइंडिंग रे. जो प्राइमरी वाइंडिंग रे लिंक हम तादे से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हम ताको आम कहले सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लक्स विल लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड द इज द कंसेप्ट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन. सो इट इज नोन एज द म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ. इफ द सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज देन द करेंट विल फ्लो टू द लोड एंड दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी करेंट. इट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. इट जस्ट द ब्रीफ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. देन विल गो टू द व्हाट इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर. प्रीवियसली हमें ट्रांसफॉर्मर डायग्राम देखिले, एबे हमें देखुचे ऑटो ट्रांसफॉर्मर डायग्राम. व्हाट इज द डिफरेंस? The difference is there is two winding, but in this case it is only one winding. Auto means what? Self. In Greek it is known as the self. The self kona mane only one winding will act as both primary winding and the secondary winding. Then taku kahiba ame kona auto transformer. The difference between the two winding transformer or ordinary transformer to auto transformer is only one winding is will act on the both primary and secondary. Then we'll go to the construction part. As we have seen here, see your one circular form is there, that is called the core. Then this winding black color wire is wound on the core, that is called the winding. Here it is a there is a single layer winding on core of high grade cold rolled grain oriented steel. That is, the core is made of the high grade cold rolled grain oriented or
we'll say that CRGO still. Next, core re amar kon hela winding ko hela coil guda ko wound hela taku ame kon kahile over the core continuous single coil is wound on the free terminal which are marked as the C and A. तो winding ता हमारा core पूरा circular रे पूरा rotate करेगी रहेची. Then here हमें इटे देखो चाहिए गुटे carbon brass अच्छी. आउ इटे गुटे contact अच्छी जोड़ा ना लिखा ची E. हमें माने देखी चाहिए generator. Generator को हमें कौन कोचे जदि हमें तको rotate कोचे हमें कौन कोचे गुटे handle अच्छी rotate करेबा को सही type रहो. एक ऑटो ट्रांसफार्मर गोटे कौन था ना सर्कुलर रोटेशन पाएंगे थाए तो से सर्कुलर रोटेशन रे एटी गोटे सॉफ्ट बोलियो थाए एटी कार्बन ब्रश थाए तो सर्कुलर रोटेशन रे हमें ताको रोटेट करिबा आ एटा रोटेट कर करी ए जो वाइंडिंग थाए ए रोटेट कर करी सी रु स्टार्ट हेकरी ए को जेबो तो सी रे जदि मिनिमम वोल्टेज हेतिबो देन ए रे आसीबो मैक्सिमम वोल्टेज तो ऑटो ट्रांसफार्मर हमें इठो कौन जानिले जे हमें एथरे वेरिएबल वोल्टेज हमें पाई परबा तो इट लिखा ल ए कार्बन ब्रश अटैच्ड टू ए मैन्युअली रोटेटिंग हैंडल मेक्स कांटेक्ट विद डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स एंड ब्रॉट आउट एज अ टर्मिनल एज मार्क्ड ई देन द आउटपुट वोल्टेज कैन बी वेरीड स्मूथली फ्रॉम 0 टू द वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज सिंपली बाय रोटेटिंग द हैंडल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हमें ए जो हैंडल को रोटेट करी करी हमें इनपुट मिनिमम वोल्टेज रो मैक्सिमम वोल्टेज रे हमें पाई परबा तो ए जो कंस्ट्रक्शन ता हला याको हमें स्कीमेटिक इलेक्ट्रिकल डायग्राम रे केमती देखिबा तो ए आउ सी हमर कोन फिक्स्ड इनपुट तो व्यारी कोन करची कार्बन ब्रश व्यारी करी करी हमको आसु छी पर्यंत तो ए सी हला फिक्स्ड एंड ई इज द सॉफ्ट तो एटा हला हमको व्यारी करची तले हमें ऑटो ट्रांसफार्मर कोन जानिले ना ई पॉइंट को वेरी करी करी हमें वेरिएबल आउटपुट पाइबा तो ऑटो ट्रांसफार्मर इज ए वेरिएबल ट्रांसफार्मर देन वी विल गो टू द क्लासिफिकेशन पार्ट हमें जानि छे ट्रांसफार्मर रे भी टू टाइप्स ट्रांसफार्मर थे गुटेला स्टेप अप ट्रांसफार्मर आ गुटे स्टेप डाउन बट द ऑटो ट्रांसफार्मर इज थ्री टाइप्स स्टेप अप स्टेप डाउन देन वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप अप मींस इंक्रीज्ड माने कोनो प्राइमरी साइड रे हमें जहां भी वोल्टेज दबा बट सेकेंडरी साइड रे हमें पाइला बड़ को हमें कौन पाइबा अधिक वोल्टेज पाइबा तो जदी हमें अधिक वोल्टेज पाइबा देन हमको कौन दरकार हमको वाइंडिंग रे दरकार तो प्राइमरी वाइंडिंग आउ सेकेंडरी वाइंडिंग ऊपर डिपेंड करे तो एक केस रे हियर इन द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग दिस वन इज द सेकेंडरी वाइंडिंग तो हमें सप्लाई दोचे प्राइमरी वाइंडिंग रे और लोड कनेक्टेड होचे सेकेंडरी वन तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग नेक्स्ट स्टेप डाउन डाउन मींस डिक्रीज डिक्रीज हले कोन होबो डिक्रीज हले हमको डिक्रीज माने वोल्टेज हमको डिक्रीज होबो तले नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोन होबा दरकार कम होबा दरकार देन सेकेंडरी वाइंडिंग रा टर्न्स दिस वन इज द सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स एंड दिस वन इज द प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स द प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स NP ग्रेटर देन द NS दैट इज कॉल्ड द स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर नेक्स्ट वी विल गो टू द वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर और वेरियक तो हमें कौन जानचे वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर वेरिएबल मींस हमें आउटपुट टा वेरी करके पाइबा तो दिस वन इज द टैपिंग्स एठे हमर इन एटा रही गला प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई दिया गला देन इट इज द एठे रहला टैपिंग्स माने हमें आदर हमें इंक्रीज वोल्टेज पाई पर डिक्रीज वोल्टेज पाई पर हम इच्छा अनुसार हमें वोल्टेज पाई परवा सेटा हला हम कहबा वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर देन विल गो टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर तो जेमते हमें जानिले ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल इज सेम एज द ऑटो ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल ना हमें सप्लाई वोल्टेज देले एसी सप्लाई देले कोठी प्राइमरी वाइंडिंग दिस वन ए टू बी इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग बी टू सी इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग तो दिस बी सी वाइंडिंग इज लिंक्ड विद द बोथ द प्राइमरी पार्ट एंड द सेकेंडरी पार्ट मींस बोथ द सप्लाई वोल्टेज दिस वन देन इट इज कॉल्ड कॉमन वाइंडिंग एंड दिस वन इज कॉल्ड सीरीज वाइंडिंग देन एक केस रे हमें जब बड़े सप्लाई वोल्टेज दोचे प्राइमरी साइड रे दिस वन लिंक्ड विद द प्राइमरी वाइंडिंग तो प्राइमरी वाइंडिंग रे जब बड़े एसी सप्लाई देले कौन हबो ईएमएफ इंड्यूस्ड हबो
फ्लॉक्स जनरेट, फ्लॉक फास्ट, फ्लॉक्स जनरेट अब तो फ्लॉक्स जनरेट हेले एक एसरे फास्ट कौन है इंड्यूस अब फास्ट कौन इंड्यूस अब वोल्टेज इंड्यूस अब देन हमें सप्लाई देले V1 फ्लॉक्स इंड्यूस हला देन हमको मिलला कौन E1 एक एसरे तो ए जो फ्लॉक्स इंड्यूस हला दिस एटी गोटे हमको कौन अछि कंडक्टिंग वायर देके कौन लगे छि लोड लगे छि तो लोड माने कौन ए जो फ्लॉक्स इंड्यूस हला This flux is linked with the transformer in the secondary winding. आउ कोठी के जाऊ छी conductive wire त माने कोन ना आइदर पावर ए केस रे ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर हबो ए कंडक्टिव वायर रे नहले कोठी के ट्रांसफर हबो इंडक्टिवली इंडक्टिवली माने कोन कॉइल रे ट्रांसफॉर्म हबो तो इंडक्टिवली ट्रांसफर हबो माने तो पावर ए केस रे ट्रांसफर हला इंडक्टिवली जेतु वायर रे ट्रांसफॉर्म हला ए केस रे ट्रांसफर हला कंडक्टिवली तले टू टाइप्स सम हमर पावर ट्रांसफर हला इंडक्टिवली एंड कंडक्टिवली तो जो फ्लक्स इंड्यूस हला सी सम ऑफ द फ्लक्स विल इंड्यूस इन दिस वोल्ट दिस वाइंडिंग आल्सो देन से जेतु सही एठ जो फ्लक्स इंड्यूस हबा अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन एठ माने कर वोल्टेज हला E2 And the when the current will flow to the load, this voltage output voltage is V2. This output voltage is V2. In case of the ideal auto transformer, there is no losses. When there is no losses, no leakage flux, no winding resistance, then E1 equal to V1, then E2 is equal to V2. And one more thing. And here, what is the current? I1. I1 means primary current. The primary current will flow in the primary winding. Next, I2 is the secondary current that will flow to the load. Then, according to KCL, KCL use karikiri. A point, eta kono B point, tale. Here current I1, here current I2. According to KCL, if one current is entering a node and another current is leaving the node, the summation of the current is equal to zero. Then here the current is I2, here the current is I1. Then what is the value of the this winding current? It should be I2 minus I1 according to KCL. So the current I1, when the current I2 will flow to the this winding, then the MMF of the secondary winding, the MMF of the secondary winding or the flux in the secondary winding will be counterattack to the primary winding. It will reduce the primary winding flux. So the primary current will increase so that the MMF of the secondary winding MMF of the secondary winding will be equal to the MMF of the primary winding. Then we'll go to the mathematical part, that is, see here the voltage here the voltage is V2. Here the voltage is V2 and the winding is N1. Here the winding is N2 and the current is I2 minus I1 and this one is the voltage V1. See, here the total voltage is V1. Here the voltage is V2. Then what is the value of the voltage here? V1 minus V2, right? And here the current is I1. Here the current is I2. And here the number of turns, total number of turns N1. Here the turns is N2. Then what is the number of turns here? N1 minus N2. Then V2 by N2. V2 by N2 is equal to, sorry, V2 by V1 minus V2 is equal to N2 by N1 minus N2. That means the voltage in the secondary winding V2, it is turn kete achi N2.
एठी वोल्टेज केते v1 minus v2 एठी टर्न केते n1 minus n2 ताले v2 by v1 minus v2 एही वाइंडिंग रा वोल्टेज v2 आउ एही वाइंडिंग रा वोल्टेज v1 minus तो v2 by v1 minus v2 is equal to this winding turns divided by this winding turns तो n2 by n1 minus y n2 just cross multiplication v2 n1 minus v2 n2 is equal to v1 n2 minus v2 n2. We'll cancel this, then we'll get v2 by v1 is equal to n2 by n1. ए रिस्वा में आउटपुट पाई थी ले ट्रांसफार्मर पाई थी ले तो v2 by v1 is equal to n2 by n1. Another here the voltage is v2, here the current is i2 minus i1. So v2 into i2 minus i1 is equal to, here the voltage is v1 minus v2, here the current is i1. So v1 minus v2 into i1, v1 minus v2 into i1, then v2 i2 minus v2 i1 equal to v1 i1 minus v2 i1. Here you cancel, then we'll get v2 by v1 is equal to i1 by i2, or we can write v2 i2 is equal to v1 i1. Here second equation, here first equation. So आमे जेतेबेले दीटा इक्वेशन को इक्वेट करिबा फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन देन वी विल गेट v2 by v1 is equal to n2 by n1 is equal to i1 by i2, and it is also known as k, that means transformation ratio k. Here v2 by v1 is equal to n2 by n1 equal to k, and the v2 by v1 is equal to i1 by i2, and then v1 i1 is equal to v2 i2. So ame mane lekhidile transformer ta kon heitla na both electrically insulated thila but magnetically linked thila, but auto transformer both electrically and magnetically linked. So primary and secondary winding of an auto transformer connected magnetically as well as electrically. So the power transfer move first through kahichi bhi both conductively hobo au kon hei paribo inductively hei paribo jodi conductively hela. Conductively mane kon ei wire dekhi flow karibo, to wire dekhi flow kar mane ei voltage kete v2, current kon i2, then conductively hela v2 i2, then inductively means this voltage, this power, this the, here the voltage is v2, here the current is i2 minus i1, then apparent power inductively is v2 into i2 minus i1. Ame janle v2 by v1 is equal to i1 by i2 is equal to also k, then ame ite lekhi pariba i1 is equal to k into i2, i1 here i1 by i2 is equal to k, then i1 is equal to kon k i2, then i2 jagar ame kon put kariba k i2, then v2 i2 into 1 minus k, previously jani che v2 i2 is equal to kon v1 i1, to v2 i2 is equal to v1 i1 into 1 minus k. Tale kichhi power amra kon rochi inductively jauchi au conductively jauchi, to ame inductive power ame jani gali, then conductively kemti janiba आउटपुट किछि इनपुट पावर रो माइनस कर देले हम जानि परबा जे कोन इंडक्टिवली कंडक्टिवली पावर, देन कंडक्टिवली इज इक्वल टू इनपुट माइनस इनपुट इनटू 1 माइनस के, तो वी विल गेट के इनटू इनपुट. नेक्स्ट व्हाट इज द ट्रांसफार्मर पार्ट, एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफार्मर. ए ट्रांसफार्मर रे 3 किलोवाट रो लोड अछि, बट इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, तो 115 वोल्ट्स अछि, 115 वोल्ट्स रे कोन v2 और 230 वोल्ट्स कोन हैला प्राइमरी वोल्टेज, तो k इज इक्वल टू 115 / 230 इज इक्वल टू 0.5, तो इनपुट इनटू 1 - k.
then conductively input into K. Next, comparison of auto transformer with two winding transformer. Ame data bhitare kon janile? Data bhitare copper la copper janile na nahi je ethire adhika copper use hochi ethire kam copper use hochi. So this one is the two winding, to yadre copper adhika use hela yadre copper kam use hela. To saving of the copper kon is proportional to the length and the area of the cross section. So area of the cross section is directly proportional to current and the length is directly proportional to number of turns. So the weight of copper is directly proportional to number of turns into current. Auto transformer ekondruji total weight of copper eta n2 into i2 minus i1. Here n1 minus n2 into i1 mane 8 ton tala n1 minus n2 into i1 au 8 ton tala n2 into i2 minus i1 au two winding transformer n1 i1 plus n2 i2 e dita jako ko jete bela ame divide kariba to wa by wo is equal to 1 minus k ta mane जो डेरिवेशन ए जो इक्वेशन टा अच्छी या कुछ सिंपलीफाई करले हमें पाइबर डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू जीरो इक्वल डब्ल्यू ओ वन माइनस के देन वेट ऑफ द कपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर इनटू वन माइनस के देन व्हाट विल बी द सेविंग सेविंग विल बी ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर माइनस ऑटो ट्रांसफार्मर तो के इनटू वेट ऑफ द कपर इन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर नेक्स्ट व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जेतु हमें कॉपर कम यूज करले देन लो कॉस्ट रेजिस्टेंस कम रहला तो बेटर वोल्टेज रेगुलेशन हबो आ कोन एफिशिएंसी भी हायर हबो कंटीन्यूअसली हमें वेरिएबल वोल्टेज पाई परबा नेक्स्ट हैला डिसएडवांटेजेस पार्ट को हमें जेबा जेतु इलेक्ट्रिकल आ मैग्नेटिकल भीतर आइसोलेशन रहउची तो आइसोलेशन जो जेतु न रहउची सेति पई हमें जेते बेले आउट इन सपोज गोटे सेकेंडरी सर्किट ता हमर कोन हे जेबो ना ओपन हे जेबो ताले हमर टोटल हाई वोल्टेज कौन करिबा ना कन्वर्टेड इनटू द लो वोल्टेज को पढ़े हाई वोल्टेज टोटल पढ़ेबा कोठी की ना सेकेंडरी वाइंडिंग को तो जेते बेले हाई वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग को पढ़ेबा देन इट विल बी डैमेज टू द लोड पार्ट तो नेक्स्ट वाला द शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग इज लार्जर तो शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग लार्जर माने कौन लीकेज फ्लक्स कम अच्छी तो रेजिस्टेंस हमर कौन रहला कम रहला तो रेजिस्टेंस कम रहला कौन रहला ना शॉर्ट सर्किट करंट अधिक रहला नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें माने लैब रे यूज करचे वैरियक दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर हमें नेक्स्ट सेशन में हमें पढ़ीबा भी इंडक्शन मोटर स्टार्टर पाएंगे हमें यूज करचे ऑटो ट्रांसफार्मर नेक्स्ट हैला बूस्टर ट्रांसफार्मर माने किछ वोल्टेज को हमें जते बड़े बढ़ीबा को चाहिबा सेते बड़े हमें करचे कौन बूस्टर एज ऑटो ट्रांसफार्मर नेक्स्ट रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर नेक्स्ट टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर कौन टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर हैला टैप इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग तो ए जो टैपिंग कौन पे हम यूज करछे ना टैपिंग यूज करूछे जदी हमें ट्रांसफार्मर इज यूज एज ए ऑटो ट्रांसफार्मर तो ए टैपिंग ट्रांसफार्मर टू टाइप्स ऑफलोड एंड ऑनलोड ऑफलोड हैला हमें ट्रांसफार्मर टाको पूरा सप्लाई रो बाहर करिकिरी तापरे हमें टैपिंग को टैपिंग करूछे आ ऑनलोड टैप चेंजर हैला ना ऑन द सप्लाई हमें टैपिंग करछे तो सेटा हैला ऑफलोड एंड ऑनलोड as a transformer auto transformer part I have covered and these are the assignment questions for you if you have any doubt then contact me in my whatsapp number 8984587710 stay home stay safe we'll definitely fight against corona thank you jiotie to maati आम सामाजिक और पारिवारिक जीवन मूल कथी से आगक गले आगक जीव संसार आम झील मैंने पुओं ठू पछरे एवं तो बदली गला समय बदली गला जुग से ही झील मान आहरी आगक नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने को सरकार सुदक्षा योजन सरकारी आईटीआई मध्यम संपूर्ण मगणारे जोगे देखते सबु प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञानकौशल तालीम एबे आमो झियो रहिबे सबुठु आगरे सबुठु उपरे मु सफला मु कुशली मु सुदक्षा आमे सुदक्षा।